दोस्तों, मोटरोला ने अपने तीन नए स्मार्टफोन यूरोप के अंदर लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से प्राइस नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन दोस्तों ये हाई यूरोप के अंदर है, लेकिन जब ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा तो प्राइस में काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, इसका मैं एग्जांपल आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर मोटरोला एज 20 प्रो, मोटरोला एज 20 और मोटरोला एज 20 लाइट के बारे में। इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर अलग अलग चिपसेट दिया गया है। जो पहले मोटरोला एज 20 प्रो के अंदर जो प्रोसेसर है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है। और प्लस में यहाँ पे जो मोटरोला एज 20 है उसके अंदर आप सभी को क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको लाइट के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का आपको देखने को मिलेगा। मोटरोला एज 20 प्रो के अंदर आपको 12GB और 256GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। मोटरोला एज 20 के अंदर 8GB और 128GB, और एक और यहाँ पे आपको वेरिएंट देखने को मिलेगा, वो हो सकता है 6GB और 128GB का। मोटरोला एज लाइट के अंदर आपको 8GB और 128GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इन फोन्स के अंदर कि आपको कैमरा क्या क्या मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ध्यान कैमरे पे जाता है। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे हाथ में अभी मोटरोला वन फ्यूजन प्लस है, और इसके अंदर जो कैमरा है वो काफ़ी ऑसम है। और मुझे पर्सनली दोस्तों मोटरोला का फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोटरोला एज 20 प्रो के अंदर 108 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा, प्लस में 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको जूम कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आप 5x तक जूम कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक और कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का, जो कि काम करेगा अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए। और यहाँ पे आपको एक माइक्रो विजन भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे सेम कैमरा आपको मोटरोला एज 20 के अंदर भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 3x ही जूम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मोटरोला एज 20 लाइट के अंदर भी आपको सेम कैमरा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी यूज किया गया है। यहाँ पे आपको जूम के लिए कुछ खास नहीं दिया गया है। दोस्तों कमाल ही हो गया, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, समझ रहे हो, मोटरोला एज 20 प्रो के अंदर। और यहाँ पे स्क्रीन जो है वो 6.7 इंच का तीनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और जो पैनल है वो है आपका OLED। और यहाँ पे आप सभी को जो मोटरोला एज 20 के अंदर जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा उसके अंदर भी आपको 144 का मिलेगा, लेकिन लाइट के अंदर आपको 90 हर्ज का मिलेगा। और यहाँ पे तीनों फ़ोन के अंदर HDR10 का सपोर्ट है, और यहाँ पे मोटरोला एज 20 प्रो के अंदर Amazon HDR का सपोर्ट है। बैटरी आपको मोटरोला एज 20 प्रो के अंदर 4500 mAh और 20 के अंदर 4000 mAh, लेकिन यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ही भेदभाव किया जा रहा है, मोटरोला लाइट के अंदर 5000 mAh का बैटरी, क्या बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी खास बात है कि इस फास्ट मॉडर्न एज के अंदर आपको 30W का टर्बो चार्जर मिलता है, और इसका टर्बो चार्जर जो होता है दोस्तों काफ़ी कमाल का होता है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ऑसम रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इन सभी फ़ोन्स के अंदर आपने तो स्पेसिफिकेशन सुन ही लिया, लेकिन अब यहाँ पे प्राइस सुनिए दोस्तों, काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि 20 प्रो का जो प्राइस है यूरोप के अंदर वो है 699 यूरो, यानी कि अप्रॉक्स आपका 62,000 पड़ जाता है। और यहाँ पे 20 का जो प्राइस है वो 500 यूरो है, अप्रॉक्स 44,000 के आसपास।
और जो 20 लाइट है उसका जो प्राइस है वो है आपका 350 यूरो के आसपास। इसका जो कीमत है वो 30-31 हज़ार के आसपास रहने वाला है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे हम एक मेन फैक्टर पे बात करते हैं और वो है स्पेशली इंडियन यूजर के लिए, क्योंकि इंडिया में और यूरोप में जो मोटोरोला का प्राइस होता है वो काफ़ी डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैंने कुछ कंपैरिजन नोट किए हैं, जैसे कि अभी मेरे पास है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, इसका जो प्राइस था यूरोप के अंदर जब लॉन्च हुआ था अप्रोक्स 300 यूरो में। लेकिन दोस्तों अभी ये जो इंडिया में लॉन्च हुआ 300 यूरो आपका करीब 26 हज़ार के आसपास आ जाता है, लेकिन इंडिया में जब ये लॉन्च हुआ था 6GB 128GB वाला जो अभी मेरे पास है वो 17 हज़ार में। तो देख रहे हैं ना कितना डिफरेंस है दोस्तों, करीब 9 हज़ार का डिफरेंस है। और इतना ही नहीं, आप सभी को यहाँ पे मोटो जी 5G दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, जो अपर वेरिएंट था 6GB 128GB उसका जो कीमत था यूरोप के अंदर वो 400 यूरो का था, अप्रोक्स 35-36 हज़ार। लेकिन इंडिया में जब ये लॉन्च हुआ था तो यहाँ पे ये सिर्फ 21 हज़ार में, और अभी भी इसका प्राइस 21 हज़ार ही है। तो देख रहे हैं कितना डिफरेंट है, अप्रोक्स 14-15 हज़ार का डिफरेंस है दोस्तों। दोस्तों अभी मैंने आप सभी को बताया मोटोरोला जी 5G का प्राइस वो आपका 36 हज़ार के आसपास है, और अगर मैं इसका 21 हज़ार पे लाऊं तो 40% का डिफरेंस आ जाता है इंडिया और यूरोप के अंदर। तो अगर हम इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर 40% का डिफरेंट निकालते हैं तो काफ़ी लो प्राइस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम 61-62 हज़ार का है, तो इसका हम 40% निकालते हैं, 40% तो ये करीब आपको 37-38 हज़ार का देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर, अप्रोक्स 40 भी जा सकता है। और यहाँ पे हम एज 20 की बात करें जो कि अभी आप सभी को यूरोप के अंदर 44 हज़ार का देखने को मिल रहा है, वो अगर हम 40% अगर नहीं करते हैं तो अगर 30% करते हैं तो यहाँ पे हम इसका माइनस कर लेते हैं 30%, तो ये करीब आपको 30,000-31,000 का देखने को मिल सकता है। और इसी सेम वेरिएंट लाइट का अगर हम देखें तो इसका अभी प्राइस करीब 31,000 है, तो यहाँ पे अगर हम इसका 30% माइनस करते हैं तो ये करीब 21,700 आता है। तो दोस्तों यही कुछ डिफरेंस है, अगर हम इसको 40% कर देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा अप्रोक्स 19,000 का। और सेम अगर हम मोटोरोला एज 20 की बात करें तो उसका जो प्राइस है अभी 45,000 के आसपास आ रहा है, 44,000 के आसपास आ रहा है, तो वो आपको शायद 25-26 हज़ार का देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और जो मैंने डिफरेंट बताया, जो मैंने रिसर्च किया उसमें थोड़ा मेहनत लग जाता है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑन करके हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा, लेटेस्ट अपडेट आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप इन तीनों स्मार्टफोन को किन स्मार्टफोन के कंपैरिजन में देखते हो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उनका इन डिटेल कंपैरिजन लेकर आएंगे। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।